ਕੁਮਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਾ ਪੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਨਾਕਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਰ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਹ ਟੂ ਬਿਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਆਂ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ किस तरह से देखते हैं लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टिप्पर ओवरलोडेड टिप्पर जो है वो अपना मटेरियल गिराकर चले जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए इस पर जो क्रशर वाले हैं, स्टोन क्रशर वाले वही माइनिंग करते हैं, वही मटेरियल वहां से ही टिप्पर डंपर जो उठाते हैं, तो उन्होंने एक जैसे वो अपनी रेट की वो उसकी माइनिंग की वो वसूली करते हैं, मटेरियल की वसूली करते हैं, ऐसे ही एक गेट पर उन्होंने एक अपना बंदा जो है जो एक कोई एम्प्लाई बिठाना चाहिए, जब तक उसको डक कर कवर करके कोई ट्राली या डंपर या टिपर उस पर तरपाल या कवरेज नहीं करता है तब तक उसको वहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। थोड़ी बहुत इनको भी अपनी जो है बुद्धिमता का इस्तेमाल करना चाहिए, हर बात कोई चेयरमैन बताए, कोई बीडीसी बताए, कोई सरपंच बताए, कोई सोशलिस्ट बताए, तो जिस कंसर्निंग ऑफिसर की ये कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ चेयर पर बैठकर ही उसका आनंद नहीं लेना है, सैलरी नहीं लेनी है, कुछ ड्यूटी के प्रति भी लगाव होना चाहिए कि जो जिसकी हम सैलरी लेते हैं, जिसका हमें जो हॉनरेरियम मिल रहा है उसके प्रति हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा देना है। तो ये जो मटेरियल की आप बात कर रहे हैं इनको एक समय दिया जाए और समय के मुताबिक अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो इनका एक चलान होता है, इनको जुर्माना होता है, वो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है माइनिंग जियोलॉजी या आरटीओ है या डीएमओ है वो कर तो रहे हैं इन पर, लेकिन फिर भी जो माइनिंग की चोरी हो रही है जहाँ रात को वो डंपिंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर इसके लिए कसूरवार जो है कंसर्निंग डिपार्टमेंट।